तो फ्रेंड्स, अगर आपको हिप जॉइंट में पेन है और खास तौर से अगर लेटरल साइड में पेन है, बोथ साइड, राइट या लेफ्ट, और अगर आपको सोने में दिक्कत आ रही है, या कभी कभार ऐसा होता है कि हिप जॉइंट थोड़ा सा सूख जाता है और हड्डी दिखाई देने लगती है, किसी भी साइड हो सकता है, वन साइड या अदर साइड, दोनों साइड हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करें वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको बेड में कुछ इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है, और जिस तरफ आपको ज़्यादा दिक्कत है उसको ऊपर रखना है, ठीक, कुछ इस तरीके से। ये साइड दिक्कत है, आपको इसको प्रिपेयर करना है करवट में सोने के लिए भी, और जो हिप जॉइंट सूख रहा है उसको भी ठीक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लेट जाइए, लेट करके आपको इसका मूवमेंट करना है ऊपर की ओर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से करना है। इसमें तीन पोजीशन है, एक तो 90 डिग्री के एंगल पे आपको यूँ मूव कराना है, ठीक है, दूसरा आपको 45 डिग्री के एंगल पे इसको मूव कराना है, ठीक है। आप ऐसे पंजे को भी रख के कर सकते हैं, और आप जो है पूरा पैर, पूरा पूरा पैर भी उठा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपका जो अंदर ग्लूटियस मीडियस मसल्स है, जो कि अंदर की साइड में होती है, वो स्ट्रांग होगी, और आपके अंदर की मसल्स पूरे फिर से शेप में आएगी, और आप इस तरफ करवट लेके सो सकते हो, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ये दोनों चीज़ों में फ़ायदा करेगा। इसको आप एक और पोजीशन भी है, आप पैर को पीछे वाले, नीचे वाले पैर को सीधा कर लीजिए, इसको 90 डिग्री पर लेके आइए और इस तरीके से मूवमेंट कराइए, ठीक है, दूसरा थोड़ा सा इसको पीछे कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट कराइए, ठीक है, और फिर ये लास्ट में ये वाला मूवमेंट। तो ये मूवमेंट आपके हिप जॉइंट को सूख रहा है, जो ड्राई हो रहा है उसमें भी काम करेगा, और इसमें इतनी स्ट्रेंथ ला देगा कि आप अगर करवट लेके भी सो रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको डालता रहूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।